हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आप सभी का केबी कैंपस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और आज के सेशन का टाइटल हम लोग रखा है एक से लेकर 100 तक का क्यू कैसे निकाले सेकेंडों में। यानी हमें एक से 100 तक का क्यू निकालना सीखना है, क्योंकि एग्जाम में भी इतना ही से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमने स्क्वायर का जो वीडियो डाला था उसका आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत मुझे खुशी हुआ इस बात को जानकर के कि चलिए बच्चों को पसंद आ रहा है। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करता जाऊं। और हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर आप बहुत कम में पढ़ा रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक रिविजन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। रिविजन बैच में आप लोगों को बस चीज़ों को ये अवगत करा रहा हूँ, यानी एक बार दिखा रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा है, इसलिए है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, तो एक बार इसको रिवीजन करना है। तो अभी इस बैच को रिवीजन में ले, अगर डिटेल में बैच करना होगा तो घबराइए नहीं, इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग फिर से स्क्वायर का और क्यूब का बाद में एक वीडियो डिटेल में लेकर के आएंगे और जितना आप कहिएगा उतना भरपूर मटेरियल उसमें देंगे। तो ठीक है, चलिए आज हम लोग क्यूब का सेशन शुरू करते हैं। और क्यूब देखिए, हमने पहले क्या देखा था, स्क्वायर यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करते क्या लिखते हैं, एन इंटू एन। अगर किसी भी नंबर का क्यूब करते थे क्या लिखते हैं, एन इंटू एन इंटू एन। यानी अगर हमें 15 का क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे, एन इंटू एन सॉरी 15 इंटू 15 इंटू 15। अगर हमें 18 का क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे, 18 इंटू 18 इंटू 18। अब देखिए एग्जाम में हम ऐसा नहीं करेंगे 15 में 15 से गुना करेंगे फिर इसमें गुना करेंगे, हालांकि ये भी नियम सही है, गुना करके भी निकाल सकते हैं, बस इसमें क्या होगा थोड़ा समय लगेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने समय को बचाने के लिए कुछ इसको नंबर को क्या करेंगे, बांट देंगे और बांट कर उसके ट्रिक के हिसाब से चलेंगे। देखिए कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसको क्यूब निकालने के लिए उससे हम लोग क्या करेंगे, चार भागों में बांट देंगे। सबसे पहला स्टार्ट विथ वन। स्टार्ट विथ वन का मतलब हुआ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये आपका हो गया स्टार्ट विथ वन। और दूसरा लेते हैं एंड विथ वन, यानी आप 21, 31, 11 भी ले सकते हैं, 11 तो हम लोग सेम नंबर भी लेंगे, 41, 51, 61, 71, 81, 91 को ले सकते हैं। स्टार्ट सॉरी क्या लिखे हम लोग, एंड विथ वन। तीसरा हम लोग ले सकते हैं सेम नंबर। अब सेम नंबर में हम लोग क्या लेंगे, 22, 11 भी हो सकता है, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। ये आपका क्या हो गया, हमारा सेम नंबर तक आ गया। अब चौथा टर्म हम लोग लिखते हैं डिफरेंस नंबर। डिफरेंस का मतलब समझ ही रहे हैं, डिफरेंस का मतलब समझ ही रहे हैं कि इससे जो बचेगा, यानी 24 भी हो सकता है, 32 भी, 34 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 65, 75 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है। यानी स्टार्ट विथ वन, एंड विथ वन और सेम नंबर के बाद जो बचेगा उसको डिफरेंट नंबर में लेकर के बनाएंगे। देखिए बाहर बारिश काफ़ी तेज हो रहा है, थोड़ा सा नॉइज आएगा, बट कोई नहीं, इसको हम लोग कोशिश करेंगे दूर करने का। तो चलिए हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और एक बार इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, जो भी पढ़ा रहे हैं, चलिए थोड़ा सा ही वीडियो देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हम डाल भी नहीं रहे, 15 मिनट 20 मिनट का, इसको आप कॉपी में एक बार लिख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब चलिए हेडिंग दीजिएगा स्टार्ट विथ वन, यानी हमें 12 का क्यूब निकालना है। सिंपली है, पहले क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे,
फिर दो लिखेंगे, एक और दो लिख दिए, लिख दिए। उसके बाद दो का स्क्वायर चार और दो का क्यूब आठ, दो का स्क्वायर चार और दो का क्यूब आठ लिख देंगे। देखिए चार डिजिट हमेशा लेना है, जब भी क्यू निकालने की बात आए चार डिजिट लेना ही लेना है, चाहे किस कोई भी रूल क्यों ना लगे। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट को हम लोग छोड़ देंगे और दोनों बीच वाले को डबल कर दे, दो दूना चार, चार दूना आठ। अब इसको जोड़ देंगे, आठ का आठ, आठ चार बारह, बट यहां पे क्या लिखेंगे सिंगल डिजिट, जो भी सिंगल डिजिट लिखेंगे आठ चार बारह के दो, एक जो है उसको कैरी ले लेंगे, यानी जो एक आ रहा है वो इसका अपना नहीं है, वो पड़ोसी को दे देगा। ये एक कहां जाएगा यहां, तो यानी चार दो छ एक सात ले लेंगे यहां, और ये एक का एक, इसमें से कोई कैरी नहीं आया तो ये एक का एक यानी सत्रह अट्ठाईस आपका बारह का स्क्वायर हो गया। वैसे ही अगर हम तेरह का स्क्वायर सॉरी तेरह का क्यू निकालेंगे तो लिखेंगे एक तीन, तीन का स्क्वायर नौ और तीन का क्यू सत्ताईस। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे, बीच वाले को डबल कर देना है, तीन का छ नौ का अठारह। अब इसको क्या करना है जोड़ देना है। अब देखिए सत्ताईस का क्या लिखेंगे सात, अब ये दो क्या होगा ये कैरी हो जाएगा, कैरी कहां जोड़ेंगे बगल वाले में, पड़ोसी में जाकर जोड़ देंगे। देखिए अब नौ दो ग्यारह आठ उन्नीस के नौ, अब इसमें से भी एक हाँसी लग गया और एक ये, यानी एक और एक क्या हो जाएगा दो। अब इस दो को क्या करेंगे, यहां दो नहीं लिखेंगे, ये लिखना गलत हो जाएगा, इस दो को हम लोग इसमें जोड़ देंगे, तीन दो पांच छ ग्यारह के एक, कैरी कितना हासिल कितना आया एक आया, एक और एक दो यहां लिख देंगे, यानी इक्कीस संतानवे हो गया। वैसे ही अगर हम लोग पंद्रह का क्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे एक पांच, पांच का स्क्वायर पच्चीस और पांच का क्यू एक सौ पच्चीस लिखेंगे। पहले वाले को लास्ट वाले को रहने देंगे, बीच वाले को क्या करेंगे डबल कर देंगे, पांच दूना दस पच्चीस दूना पचास। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, पच्चीस एक सौ पच्चीस के क्या लिखेंगे सीधे पांच लिखेंगे, यानी इकाई के बाद जो भी आएगा वो क्या है पड़ोसी का पार्ट है, यानी पड़ोसी को हम दे देंगे। अब देखिए पांच दो सात कैरी कुछ नहीं आया, अब ये जो पार्ट जो लाइन के इधर जो आया इकाई के बाद वाला पांच दो सात एक आठ, ये क्या करना है इस पड़ोसी में जोड़ देगा। देखिए जोड़ने के लिए ऊपर लिखिए नीचे लिखिए वो आपके मर्जी के ऊपर है, लेकिन सही सही जोड़ना है। अब आठ पांच तेरह के तीन, कैरी कितना एक, एक का एक दो एक तीन, यानी तैतीस पचहत्तर आपका क्यू हो गया पंद्रह का। वैसे देख लेते हैं सत्रह का क्यू कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे एक सात, सात का स्क्वायर उनचास और सात का क्यू तीन सौ तैतालीस, सॉरी दिखेगा नहीं आपको, फिर से लिखते हैं सत्रह का क्यू एक सात उनचास तीन सौ तैतालीस। पहले और लास्ट को छोड़ देना है, बीच वाले को डबल करना है, सात दूना चौदह उनचास दूना अंठानवे। अब क्या करना है जोड़ देना है, तीन सौ तैतालीस को क्या लिखेंगे तीन, जैसे ही चौंतीस बज जाएगा क्या बच जाएगा इकाई के बाद चौंतीस को क्या करेंगे ये पड़ोसी को दे देंगे ये। अब देखिए एक लाइन खींच लेंगे अपने आसानी के लिए, आप नहीं भी खींच सकते हैं, नौ आठ सत्रह चार इक्कीस के एक, नौ आठ सत्रह चार इक्कीस के एक, कैरी कितना दो। अब देखिए दो क्या है वो पड़ोसी का है, यानी दो यहां पे इसमें जोड़ देंगे, दो तीन पांच चार नौ नौ अठारह, अब अठारह क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। अब इसमें भी एक लाइन खींच लेंगे, आठ सात पंद्रह चार, आठ सात पंद्रह चार उन्नीस के नौ, हासिल कितना हुआ एक, एक का एक दो एक तीन, यानी तीन और एक चार, यानी उनचास तेरह हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट विथ वन का, स्टार्ट विथ वन से क्यू निकाल सकते हैं, यानी आप आपको होमवर्क में दे रहे हैं चौदह का क्यू, सोलह का क्यू, सत्रह निकाल दिए, अठारह का क्यू और 19 का क्यू, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। अब इसे इस क्यू को निकाल करके आप हमें या तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, या आप कमेंट में भी डाल सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर के लिए बता देते हैं आपका 9013809825। टेलीग्राम चैनल पे भी आप इसको डाल सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।
ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट विथ वन देख लिए, अब हम लोग देखते हैं एंड विथ वन। देखिए दूसरा था हमारा सेकेंड नंबर एंड विथ वन, यानी अगर हमें 21 का क्यू निकालना हो तो देखिए 21 क्या है, अगर जैसे ही 12 को उल्टे उल्टा होगा करेंगे तो क्या आएगा 21 आ जाएगा। तो बस करना क्या है कि 12 वाले में 1, 2, 4, 8 लिखे थे, इसमें क्या करना है प्लट लिखना, यानी 1 यहां 2, 4 और 2 का क्यू 8, यानी उल्टा लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट को रहने देंगे, बीच वाले को डबल कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, अब इसको जोड़ देंगे 1, 4 दू 6, 8 4 12 के 2 कैरी कितना 1, 1 क्या करेंगे बगल में जोड़ेंगे, 8 8 9, यानी 92, 61 हमारा क्यू निकल गया। वैसे ही हम लोग अगर 41 का क्यू निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना है, 1, 4, 4 चौका 16 और 4 का क्यू 64, 4 का डबल 8, 16 का डबल 32 और 64 को रहने देंगे सेम, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को वैसे ही रहने देना है। अब 1 लिखेंगे, 8 4 12 के 2 कैरी कितना 1, 6 1 7 2 9 हासिल 0, 3 1 4 इसमें जो जाएगा 64 4 68 921। अब देखिए 61 का क्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 1 6 36 और 216, 6 का क्यू क्या होगा 216 हो जाएगा, बीच वाले को डबल करना है, 6 दूना 12 36 दूना 72, अब जोड़ देंगे 1 का 1 6 2 8 1 का 1 इसमें चल जाएगा हासिल 1 ही आएगा, 6 1 7 2 9 कैरी 0 7 3 10 इसमें जोड़ेंगे 6 का 6 1 का 1 2 और 2, यानी 226 981। वैसे ही हमें 81 का क्यू निकालना है, सिंपली क्या करना है 1 8 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यू 8 चौका 32 8 6 48 512, बीच वाले को डबल कर दीजिए, सॉरी 12 एक जगह लिखते हैं आपको सही रहेगा समझने में, फर्स्ट और लास्ट छोड़ देंगे, 8 का डबल 16 64 का 128 और इसको जोड़ देना है, क्या आएगा 1 का 1 16 8 24 के 4 कैरी कितना 2, 2 इसमें जुटेगा, 4 दू 6 8 14 के 4 हासिल कितना 1, 12 6 18 1 19 क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, 9 2 11 1 2 1 3, यानी 531 441, यानी आपका हो गया एंड विथ वन भी हम लोग देख लिए इस टॉपिक को। अब देखिए इसमें बचा क्या है आपका, यानी आप 31 का क्यू कॉमा 51 का क्यू 71 का क्यू और 91 का क्यू आप लोग कमेंट बॉक्स पे निकाल के भेजेंगे या मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और एक चीज़ बता देते हैं, और आप लोग कोशिश ये करना है कि एक के क्यू से लेकर के एटलीस्ट मिनिमम 30 के क्यू तक आप याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से रहते हैं और याद करने से ये फायदा रहेगा एटलीस्ट इस, अगर हमने देखिए यहाँ पे 21 का क्यों निकाला या 31 का क्यों निकालना, कुछ तो समय लग रहा है, 20 सेकेंड 30 सेकेंड समय तो लग रहा है ना, लेकिन जब याद रहेगा तो ओनली 5 सेकेंड में उसको वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर 30 से जब ज़्यादा पूछता है 100 के बीच में तो हम लोग उस समय उसको निकाल सकते हैं इजीवे में। तो चलिए हम लोग अगले टर्म पे पहुँचते हैं। देखिए तीसरा टर्म हमारा आता है सेम नंबर, जैसे हमें 33 का क्यू निकालना हो, 22 का क्यू निकालना हो,
दोनों क्या है, तीन तीन सेम है, दो दो सेम नंबर हो गया। तो सेम में क्या करेंगे, तीन का क्यूब 27। आप चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, तीन का क्यू। समझने के लिए आप लिख सकते हैं, बट इसका लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्यू को ट्रिक से सीखने का एक ही सेंस है कि समय कम लगे। तो कुछ कैलकुलेशन को इस माइंड में करना है, ठीक है। तो क्या लिख दिए, तीन का क्यू 27 लिख दिए, 27 गुना 54, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, बीच वाले को डबल करना है, 27 गुना 54। अब इसको जोड़ देंगे, 27 का क्या लिखेंगे 7, क्योंकि कैरी 2 कहाँ चला जाएगा, बगल में। अब 2 यहाँ लिखेंगे, 7 4 11 2 13 के 3 कैरी कितना 1, 5 2 7 1 8, 8 4 12 7 19 9 कैरी 1, 5 2 7 1 8, 8 7 15 5 2 1 3 यानी 35 937 हो गया। वैसे ही 22 का क्यों क्या लिखेंगे, 8 8 8 8, चारों जगह लिख दिए, 8 का 16 8 का 16। अब इसको जोड़ देना है, ये 8 हो जाएगा 16, 8 24 के 4 कैरी कितना 2, 8 2 10 6 16 6 हासिल 1 1 2 यानी 10 648, आपका 22 का क्यू हो गया। वैसे ही हम लोग चाहें तो 55 का क्यू निकाल सकते हैं, 125 125 125 और 125, पहले और लास्ट को छोड़ देना, बीच में डबल करना है, 250 250, 25 के 25 के 5 लिखेंगे, 12 क्या करेंगे बगल वाले में जोड़ देंगे, 5 2 7 कैरी कितना 0 यानी 5 2 7 1 8 यहाँ जुटेगा, 2 1 3 यानी 38 यहाँ जुटेगा, 8 5 13 के 3 कैरी कितना 1 यानी इसके बाद जो भी पार्ट है वो बगल में जुटेगा, 5 2 5 5 10 1 11 के 1 2 1 3 31 इसमें जुट जाएगा। अब देखिए आप 31 2 3 1 4 सॉरी 41 होगा, 25 12 3 15 25 15 40 1 41। अब देखिए 5 1 6 12 4 2 6 और 1 166 375। अब अगला क्या है कि आप लोग होमवर्क में क्या बताइएगा, 66 का क्यू 77 का क्यू 88 का क्यू 99 का क्यू और 44 का क्यू। देखिए ये होमवर्क हम इसलिए दे रहे हैं कि हम लोगों ने टाइटल में क्या रखा है, रिवीजन बैच, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़े, एक बार रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि सर दिए तो चलो भूल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे जो भी मेरे भाई बंधु पढ़ रहे हैं, आपका एक ही मकसद है, एग्जाम को क्वालिफाई करना, और एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा ये आपको अच्छे से पता है कि हमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। अब कैसे करेंगे, यानी हमें देखा जाए तो 40 सेकेंड के आसपास समय मिलता है। चलिए थोड़ा सा अगर समय उधर बचा लीजिएगा और सब्जेक्ट में, तो मैथ में आप 50 सेकेंड एक सेक्शन पे दे सकते हैं, एक यानी 60 सेकेंड भी दे सकते हैं, इस रेशियो से भी चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन कम पड़ जाएगा। तो हमें स्पीड को बढ़ाना है, यानी हमें जितना प्रैक्टिस हो सके, जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन पाइएगा, ठीक है। हालांकि हम लोग एग्जाम पे लेकर के, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो या सीपीयू का एग्जाम, अभी जो एसएससी सीपीयू का वैकेंसी आया है, इसको लेकर के बहुत ही जल्द आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे कि एसएससी सीपीयू की तैयारी कैसे करें और क्या क्या पढ़े कि आपका जॉब सुनिश्चित हो जाए। यानी आप घर बैठे भी, अभी घर बैठ करके भी आप सीपीयू निकाल सकते हैं, बस कुछ कुछ चीज़ों को बारीकी को ध्यान देना है, उसको समझ के चलना है। चलिए तो हम लोग अगला एक टर्म और बच गया, डिफरेंट नंबर। चलिए तो हम लोग डिफरेंट नंबर की बात कर रहे हैं, डिफरेंट चौथा पॉइंट है, डिफरेंट नंबर। आप स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, डिफरेंट नंबर में जैसे हमें अगर
23 का क्यू निकालना हो। स्टार्टिंग से ही लेते हैं 23 का, तो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले याद रखना है कि फर्स्ट और लास्ट, पहले वाले का क्यू कर लेना है 2 का क्यू, और लास्ट वाले का क्यू कर लेना है 3 का क्यू कर लिया। बच गया क्या? बीच में 2 टर्म और, क्योंकि 4 टर्म हमें होना चाहिए। अब क्या करेंगे, देखिए इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। अब देखिए ए और बी का क्यू निकालने का सिंपल तरीका याद रखिएगा, ए क्यू ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी क्यू, आ गया 4 टर्म, 1 2 3 4 टर्म। इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। देखिए अब ए स्क्वायर बी यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। पैटर्न को फॉलो किए, ए क्यू ए स्क्वायर बी, ए बी क्यू ए बी स्क्वायर और बी क्यू। अब करना क्या है, इस चीज को 2 के क्यू 8 आएगा, 2 × 4 = 12 और 2 × 3 = 9 × 18 और 3 का क्यू तो पता है कि क्या आएगा, 27 आएगा। बस सेम कंडीशन, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, बीच वाले को डबल कर देना है, 12 का 24, 18 का 36। अब इसे जोड़ देना है, 27 के 7, ये 2 क्या हो जाएगा, कैरी में चला जाएगा, यानी 8 × 6 = 14 2 × 16 = 6 हासिल 1 3 × 1 = 4 5 5 × 9 = 2 11 हासिल 1 2 3 × 1 = 4 8 × 4 = 12 12 167 आपका क्यू आया। वैसे ही अगर हम देखेंगे 24 का क्यू देखेंगे, सिंपली 2 का क्यू 8। अब ये लाइन थोड़ा सा हम लोग गायब कर देंगे, चलिए एक और देख लेते हैं। पहले 2 का क्यू लिखेंगे इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 ए स्क्वायर बी, और फिर क्या करेंगे 2 × 4 का स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी है और बी का क्यू यानी 4 का क्यू लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये 8, ये 2 × 4 = 16 4 × 16 = 32 और 4 × 16 = 64। पहले और लास्ट को छोड़ देना है, बीच वाले को डबल करना है, 16 × 32 32 × 64। अब इसे जोड़ना है, अब इसे जोड़ना है, दिखाई तो दे रहा होगा, 4 लिखेंगे 6 क्या आ जाएगा इसमें कैरी, 6 × 4 = 10 2 12 = 2 कैरी कितना 1 6 × 3 = 9 = 10 6 × 3 = 9 = 10 इसमें जुट जाएगा, यानी 6 × 2 = 8 लिखेंगे कैरी 0 3 4 1 5 इसमें जुट जाएगा 8 5 13 यानी 13 824 यानी 24 का क्यू हुआ 13 824। कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिएगा, इधर तो होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, हालांकि कोशिश रहेगी कि कैलकुलेशन आपका इधर उधर ना हो, फिर भी प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से छूटा हुआ है, जैसे आपका छूटा हुआ है वैसे मेरा भी छूटा हुआ है, आप पढ़ते हैं और हम पढ़ाते हैं, तो जो भी होगा हम लोग धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करेंगे। बट हाँ, जब जागे तभी सवेरा, यानी हम भी अगर लग गए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लग जाइए। मेरा काम है पढ़ाना, बट आपका काम है अपना फ्यूचर बनाना, और अपना फ्यूचर तभी बनेगा जब पढ़ाई होगा, और पढ़ाई एक बार में नहीं होता है। कहते हैं लोग कि एक बार में दूध पीने से कोई पहलवान नहीं बन जाता है, यानी उसके लिए प्रतिदिन दूध पीना चाहिए, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो हमारा प्रैक्टिस लग जाएगा। और कोशिश करना है कि मैथ का जितना भी चैप्टर है 2-3 भागों में उसको बांट देना है, कैलकुलेशन एक तरफ, अर्थमेटिक एक तरफ और एडवांस को एक तरफ, और तीनों में से थोड़ा थोड़ा करके उसको कंप्लीट करना है। वैसे ही रीजनिंग को करना है, वैसे ही इंग्लिश को करना है। इस पे भी हम लोग इतनी वीडियो लेकर के आएंगे कि कैसे हम लोग तैयारी करें कि कम समय में घर बैठे हुए नौकरी पाए। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला क्यू ले लेते हैं। अगर हमें सेम वैसे ही 32 का क्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? अब 3 का क्यू 27, अब डायरेक्ट लिखेंगे 3 का क्यू 27। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी यानी 3 × 9 = 18, अब ए बी स्क्वायर 2 × 4 = 12 और 2 का क्यू 8। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, 12 का 24, 18 का 36 जोड़ देना है, ये क्या करेंगे 8 × 4 = 6 कैरी कितना हो गया, ये बाद वाला क्या होगा कैरी 2 1 3 यहां जुड़ जाएगा,
एक लाइन यहाँ की देते हैं, 8, 6, 14, 3, 17 के साथ हासिल 1, 3, 1, 4, 1, 5 27, 32, 32, 768। वैसे ही अगर हम 42 का क्यू देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 4 का क्यू 64, 4 चौका 16 दुना 32, a² b 4 चौका 16 दुना 32, ab² 4 चौका 16। अब क्या लिखेंगे, 2 दुना 4 दुना 8, 16 दुना 32 दुना 64, बीच वाले को डबल कर लिए, अब जोड़ेंगे क्या लिखेंगे, 8, 6, 2, 8 बादी वाला क्या, बाद वाला क्या है, कैरी चला जाएगा, 3, 1, 4 यहाँ, 4, 4, 8, 2, 10 के शून्य हासिल कितना, 1, 6, 3, 9, 1, 10, 4, 5, 1, 6। तो चलिए उतारिए, कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए एक दो और देख लेते हैं, जैसे 53 का क्यू निकालना है, क्या लिखेंगे, 5 का क्यू 125, a² b 50 25 75, 2 दुना 4 5 20, अब क्या लिखेंगे, 3 3 9, 20 दुना 40 75 दुना 150, जोड़ेंगे क्या होगा, 9 0 2 2 4 2 6 यहां आके जुट जाएगा, 6 5 6 और 5 11 के 1 कैरी कितना 1 7 5 12 1 15 7 21 1 22 यहां जोड़ देंगे। अब देखिए 5 2 7 2 2 4 147 109 आपका हो गया। वैसे ही हम लोग 45 का क्यू देख लेते हैं, 4 का क्यू 64, a² b 4 चौका 16 25 80, 4 चौका 16 25 80 50 25 चौका 100, 5 का क्यू 125 लिखेंगे। फर्स्ट लास्ट को छोड़ देना है, बीच वाले को डबल करना है, 80 का 160, 100 का 200, 125 के 5, 12 क्या करेंगे, कैरी 2 लिखेंगे, बाकी जो भी है सबको कैरी, 20 10 30 1 31, 1 का 1 16 8 24 3 27 7 4 11, 6 2 8 1 9, यानी 91 125। देखिए इसी तरह से हम लोग 100 तक क्यों निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं, 72 का क्यू देख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, 7 का क्यू 343, अब 7 7 49 दुना 98, 2 दुना 4 7 28, और 2 दुना 4 दुना 8 लिखेंगे, 28 दुना 56, 98 दुना 196, 2 8 16 2 9 18 1 19। अब इसको जोड़ेंगे, 8 का 8 लिखेंगे, 8 6 14 के 4 हासिल 1 5 2 7 1 8, फिर बीच में से लाइन खींचेंगे, 8 8 16 6 8 8 16 6 22 के 2 हासिल कितना 2 19 9 9 9 18 19 9 28 2 30 यहां लिखेंगे, 3 का 3 4 3 7 3 373 248 आपका यह 72 का क्यू। वैसे ये लोग देख लेते हैं 84 का क्यू। अब देखिए 8 का क्यू क्या होगा, 512, बस ये 8 का 9 का 10 का 12 15 एटलीस्ट 20 तक का क्यू आप लोग एकदम याद कर ही लीजिएगा। अब देखिए 8 64, अब a² b आपको निकालना है, यानी 8 का स्क्वायर गुने 4, अब देखिए 8 2 64 गुने 4, अब देखिए सब थोड़ा सा इसे माइंड में ही करना होगा, लेकिन यहां पे सिखा देते हैं आपको, 8 2 64 लिख दिया, 8 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16 और 4 6 24 1 25, 256 हो गया। वैसे ही अब देखिए बगल वाले क्या लिखेंगे, ab² यानी 4 चौका माइंड में करते हैं, 4 चौका 16 25 80 यहां लिखते हैं।
अब देखिए 4 × 100 = 64 लिख दिए। अब इसको इसको छोड़ देंगे तो डबल, यानी 512 160 जोड़ेंगे इसको, क्या आएगा 64 × 4 6 कहाँ चल जाएगा, पड़ोसी के पास, 6 यहाँ लिख देंगे। अब इसको कह रही 16 8 24 यहाँ लिखेंगे, यानी 6 4 10 2 12 6 4 10 2 12 कह रही कितना 1, यानी 5 1 6 2 8 1 9 यहाँ लिख देंगे और 5 2 7 यहाँ। अब देखिए पड़ोसी में कुछ है नहीं तो कैरी को इसी में जोड़ेंगे, 9 2 11 1 7 1 8 1 9 5 का 5 यानी 591 264। तो इस तरह से कर करके हम लोग 100 तक का क्यू निकाल सकते हैं। अब आप लोग का होमवर्क जो जो दिए हैं उसको कंप्लीट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा डिफरेंस नंबर में जो आपको अच्छा लगे, जहां से आपको सुविधा लगे वहां से आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में भेजिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। तो चलिए आज का सेशन लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम लोग आएंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों को एक साथ लेकर के। अगर वीडियो लंबा हुआ तो 2 बार में लेके आएंगे और नहीं हुआ तो 1 बार में ही लेकर के। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और हाँ आपसे थोड़ा सा एक बात मतलब रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक लोगों के पास यानी स्टूडेंट के पास ये वीडियो नहीं पहुँचेगा वो देखेंगे नहीं तो फिर कैसे जज कर पाएंगे कि ये अच्छा जा रहा है या खराब जा रहा है। और अच्छा खराब से सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ाई करना है आपको तो कोशिश करना है कि जो चीज़ें अच्छा है उसे अपने काम के लायक निकालना है और बाकी चीज़ों को इग्नोर करना है। थोड़ी बहुत कमी हर इंसान में होती है, चाहे आप लोग बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इनका वीडियो ऐसा है उनका वीडियो अच्छा है, अरे कोई भी सारे टीचर अच्छे होते हैं, कोई ख़राब नहीं है आज के डेट में, सब टीचर अच्छे हैं और सब कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा दे। आपको क्या लगता है कि कोई मतलब टीचर आएगा और ऐसे ही बस कुछ भी बोल के चला जाएगा, नहीं, वो अपना प्रिपरेशन करके माइंड सेटअप करके जाते हैं पढ़ाते हैं सही से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ अपना जो यूट्यूब चैनल जो आप लोग खोलिएगा उसमें तो जो घंटी जो बजता है उसको जरूर क्लिक कर लीजिएगा, इससे फ़ायदा ये होगा जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को वो पता चल जाएगा। और कोशिश हमारी मंडे से रहेगी कि एक टाइम सेट कर दें, टाइम सेट कर देंगे तो यानी कल के वीडियो में हम लोग टाइम बता देंगे किस टाइम में आप लोगों का वीडियो कब कब जाएगा, ठीक है। चलिए तुम लोग।